हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज क्रॉसिंग ओवर। एंड ये जो टॉपिक है ये ट्वेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है जेनेटिक्स का, ठीक है। क्योंकि जब जेनेटिक्स स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर जो जीन का मैपिंग है, या तो तुम जीन मैपिंग करवा लो या क्रोमोसोमल मैपिंग बोलो, उसके अंदर ये टॉपिक आप लोग को बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और क्रॉसिंग ओवर ये एक वर्ड हम लोग ने इलेवेंथ के अंदर भी पढ़ा हुआ है, मियोसिस प्रोसेस के अंदर। तो मियोसिस ये जो सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है जो डिवाइड होता है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू में। जब मियोसिस वन के अंदर हम लोग चार सब स्टेजेस देखते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, तो उसमें प्रोफेस वन के अंदर फाइव सब स्टेजेस है, राइट। जिसमें आता है फर्स्ट वाला लेप्टोटीन, सेकेंड इज जाइगोटीन, पचाइटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ वन इज डाइकाइनेसिस। तो जो थर्ड नंबर का है हमारा पचाइटिन, जिसके अंदर तुम्हारा कौन सा प्रोसेस हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर, जिसको तुम लोग नाम देते थे रिकॉम्बिनेशन। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो रिकॉम्बिनेशन ही आप लोग ने नाम दिया था। वहां पे हम लोग ने पढ़ा है कि क्रॉसिंग ओवर इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो जहां पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है या तो फिर रिकॉम्बिनेशन ये प्रोसेस हो रही है, यहां पे होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्रोमोसोमल मैपिंग, ये एक पॉइंट को लेके, ये पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हम लोग क्रॉस ओवर ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने देखना है सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर एंड मल्टीपल क्रॉस ओवर। अब आप बोलोगे कि ये सब क्या है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा चीज बताना चाहूंगी। जहां पे मैं बोल रही हूँ सिंगल क्रॉस ओवर, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना। सपोज आई हैव वन क्रोमोसोम एंड आई एम डिनोटिंग एज ए बी सी, राइट। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा क्रॉस ओवर हो रहा है, और क्रॉस ओवर सिर्फ एक बार हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस हम लोग को पता है, और क्रॉसिंग ओवर ये कहां पे हो रहा है, एक बार हो रहा है, सिंगल टाइम हो रहा है। तो ये मेरे क्रोमोसोम के होमोलोगस क्रोमेटिड हो जाएंगे, मतलब ये दो क्रोमेटिड है और ये क्रोमेटिड के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है, और जो क्रॉस ओवर हो रहा है वो एक ही बार हो रहा है। अब जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है ना, तो जब सेपरेशन का टाइम आएगा तो ये डायरेक्शन ऐसा होगा, ये डायरेक्शन को फॉलो करना, ये डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से होगा। तो जब भी सेपरेशन होगा तो ये डायरेक्शन के हिसाब से मुझे मिलेगा ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एंड देन ये डायरेक्शन फॉलो करो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ये अगर इस हिसाब से तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसको आप बोलो कि सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिर्फ सिंगल एक ही टाइम पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। पर अब मैं अगर बोलती हूं कि डबल क्रॉस ओवर हुआ है, ये तो सिंगल क्रॉस ओवर था, अगर मैं बोल रही हूं कि डबल क्रॉस ओवर हो रहा है तो हम लोग ऐसे शो करेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो डबल क्रॉस ओवर में यहां पे भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, राइट, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर है यहां पे। तो जब भी सेपरेशन होगा तो सेपरेशन के टाइम पे कैसे होगा, यहां पे ऐसे, और ये डायरेक्शन ऑफ सेपरेशन है, यहां पे ये डायरेक्शन फॉलो करेगा ये इंसान। तो देखो सेपरेशन किस हिसाब से हो रहा है, अगर ए का सेपरेशन हो रहा है फिर बी फिर सी पे जाएगा, यहां से हो रहा है फिर ये और ये जाएगा, ठीक है। तो जब सेपरेशन होगा तो कैपिटल ए फॉलो करेगा डायरेक्शन स्मॉल बी और फिर कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी और ये डायरेक्शन गया नीचे स्मॉल सी। तो इस हिसाब से अगर तुम्हें कोई सेपरेशन क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट मिल रहा है तो ये रिजल्ट क्या शो करेगा कि वहां पर डबल क्रॉस ओवर हो रहा है। सिंगल क्रॉस ओवर के टाइम पे एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। डबल क्रॉस ओवर के टाइम पे दो जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और अगर मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होगा तो तुम्हारा जो जीन का लेंथ होगा वो ऑब्वियसली कैसा होगा, लंबा, ठीक है। मतलब यहां पर मैंने तीन शो किया है, वहां पर चार पांच छह कितने भी हो सकते हैं, और फिर उनके बीच में बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। तो ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, यहां पे हम लोग को एक
क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रही हूं। यहाँ पे ध्यान देना, मेरे क्वेश्चन का नाम है, मतलब जो टॉपिक है हम लोग को जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर वो कुछ इस हिसाब से है, फाइंड आउट को एफिशियंट ऑफ को इंसिडेंस। ये टॉपिक का नाम है, मतलब जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है पर पूछा जाता है। उसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ क्रॉस देना चाहूंगी। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉस। और ये क्रॉस जो है वो किस हिसाब से दिया हुआ है हमें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंड ए बी सी। दिस इज योर वन पेरेंट एंड ए बी सी दिस इज योर सेकेंड पेरेंट, राइट। ये आप लोग का एक पेरेंट है, वो तुम्हारा दूसरा पेरेंट है। अब यहाँ पे हम लोग ने ये जो दो पेरेंट है उसके क्या फाइंड आउट किए है, इसका जीनोटाइप आप लोग को दे दिया गया है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही तुम्हें जीनोटाइप्स उसके दे दिए गए, ठीक है। तो हम लोग जीनोटाइप्स को देखते हैं कि कैसे कौन से टाइप के जीनोटाइप दिए है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं आप लोग को, यहाँ पे जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। और दूसरी जगह पे मैं लिख रही हूं कितने नंबर के हम लोग को ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, जो जीनोटाइप है उसके कितने नंबर मिल रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यहां पे है ए प्लस बी प्लस सी प्लस, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 179, ए बी सी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 17, ये तुम्हारे क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, ए प्लस बी सी ये है 52, देन ए बी प्लस सी प्लस ये तुम्हें दिए गए हैं 46, देन तुम्हारा सेकेंड आएगा ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी सी प्लस ये तुम्हें दिए गए 22। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है ए प्लस बी सी प्लस एंड लास्ट इज ए बी प्लस सी और ये तुम्हें दिए हैं 4 और 2, राइट। ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो तुम्हें दो पेरेंट दिए गए थे जो आप लोग ने लिखे उससे पहले, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी एंड सेकेंड पेरेंट ए बी सी, राइट। और उसके ये तुम्हें गैमेट दिए हुए हैं। अब ये जो गैमेट दिए वो तुम लोग लिख के रखो अपनी नोटबुक के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। पहले तो दो पेरेंट दिए हैं और उसके बाद ये 8 जीनोटाइप दिए हुए हैं कि ये पॉसिबिलिटी उनको मिला है, इतने ऑफस्प्रिंग उनको मिले। अब जब तुम टोटल करोगे, टोटल प्रोजेनी जब करते हो, इन सबका टोटल तुम्हें आता है, टोटल प्रोजेनी आएगी तुम्हारी 500। आप करके देखना आपके नोटबुक के अंदर टोटल प्रोजेनी आएगी 500, ठीक है। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं कोइंसिडेंस का, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं रब कर रही हूं और यहां से मैं स्टार्ट करूंगी मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मेरी बात सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये एक था और दूसरा गैमेट मुझे इस हिसाब से मिला। अगर मैं हेटरोजाइगस कंडीशन F1 जनरेशन भी अगर मैं फॉर्म करवाती हूँ पेरेंट के बीच में तो मुझे यही कंडीशन F1 जनरेशन में मिलेगी, राइट। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक क्रॉसिंग ओवर कर रही हूँ तो ये हो जाएगा मेरा सिंगल क्रॉसिंग ओवर करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी सी, ठीक है। और यहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा ए बी प्लस सी प्लस। अब आप अपने नोटबुक पे देखो कि ऐसा कोई है क्या, वहां पे आप लोग को दिया हुआ है क्या जीनोटाइप जहां पे ए प्लस बी सी और ए बी प्लस सी प्लस ऐसा आप लोग को जीनोटाइप दिया है क्या।
तो अगर आप लोग देखते हो तो थर्ड और फोर्थ नंबर में आप लोग को ये मिलेगा और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इसके है 52 एंड 46, राइट। अब मैं क्या कर रही हूं, अब सेकेंड में फिर से सेकेंडरी क्रॉसिंग ओवर मतलब सिंगल क्रॉसिंग ओवर करवा रही हूं, पर ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर कौन सी साइड पे करवा रही हूं, सेकेंड रीजन में। ये जो है ये रीजन वन है और यहां पे जो मैं क्रॉसिंग ओवर करने जा रही हूं ये इसके बीच में ये हो जाएगा रीजन टू। अब आप लोग यहां से क्रॉसिंग ओवर करवाओ चलो, तो आपको यहां पे रिजल्ट मिलेगा ए प्लस बी सी एंड सेकेंड मिलेगा आपको क्रॉसिंग ओवर कर लो ए बी प्लस सी प्लस। अब देखो यहां पे ऐसी कंडीशन आप लोग को कहीं पे मिल रही है क्या, ऐसी कंडीशन आप लोग को कहां पे मिल रही है क्या, ए ए प्लस बी सी एंड ए बी प्लस सी प्लस, ऐसी कंडीशन आप लोग को जहां पे भी मिलेगी आप लोग मुझे बता सकते हो कहां पे मिल रहा है। यस ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस सी प्लस 22 22, समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, ठीक है। तो अब ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर तुम लोग ने करवा लिया, सिंगल क्रॉसिंग ओवर दो जगह से हो सकता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, एक तो ये वाले रीजन पे और ये दूसरे वाले रीजन पे। अब मैं फाइंड आउट करने जा रही हूं डबल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर। तो डबल क्रॉसिंग ओवर को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी, तो दो जगह से क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। रिजल्ट क्या मिलेगा तुम्हें, यहां से ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, तो ए प्लस बी सी प्लस, ठीक है। फिर ये ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसी जाएगी और ऐसी जाएगी, तो ए बी प्लस सी। तो ये तुम्हें मिलते थे फोर और ये मिलते थे तुम्हें दो। तो ये जहां सबसे कम आप लोग को वैल्यू मिलती है वो किस चीज की है, डबल क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू है। समझो ये चीज को, सिंगल क्रॉसिंग ओवर मुझे मिल गए, डबल क्रॉसिंग ओवर कहां कहां पे हुए मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। मैं ये रब कर देती हूं। तो देखो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी मतलब ए और सी, ए बी सी ऐसा है ना हमारा जीन, तो हम लोग ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है सेकेंडरी सॉरी सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर इन रीजन वन। पहले रीजन में जितना सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ वो प्लस टू इंटू डबल क्रॉसिंग ओवर, टू इंटू डबल क्रॉसिंग ओवर प्लस सिंगल क्रॉसिंग ओवर इन रीजन टू। ये वैल्यू आप लोग को रखनी आप लोग को खुद को रखनी है ये, और ये हो जाएगा टोटल प्रोजेनी और इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब आप लोग देख सकते हो कि हम लोग ने सिंगल क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट रीजन के अंदर जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो कौन सा था, 52 प्लस 46, इसे पहले ही हम लोग ने देख लिया है, ठीक है। प्लस 2 इंटू डबल क्रॉस ओवर की वैल्यू क्या थी, 4 प्लस 2, राइट। और सिंगल क्रॉस ओवर इन रीजन टू कितना होता था आप लोग बताओ, चलो 22 प्लस 22। मैंने पहले ही आपको टोटल प्रोजेनी बता दी थी 500 इंटू 100, राइट, ठीक है। तो इसका टोटल हो जाएगा 98 प्लस 12 प्लस 44 अपॉन 500 इंटू 100, ओके। ये कुछ जाएगा तुम्हारा 154 अपॉन 500 इंटू 100। तो आप लोग यहां से टोटल काउंट कर सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी हमारा आता है 30.8 मैप यूनिट, मैप यूनिट,
ये यूनिट का नाम है. जब भी तुम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो प्रोकैरियोट के अंदर, ये याद रखने वाली चीज है, जब प्रोकैरियोट के अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है जीन्स के बीच में, तो यूज होता है यूनिट कौन सा, मैप यूनिट. पर अगर आप लोग यूकैरियोट के अंदर फाइंड आउट करते हो तो यहां पे यूनिट का नाम आएगा सेंटिमॉर्गन. तो ये यूनिट देख के हमें पता चल जाएगा कि तुम लोग डिस्टेंस प्रोकैरियोट में फाइंड आउट कर रहे हो कि यूकैरियोट में फाइंड आउट कर रहे हो. अगर प्रोकैरियोट में फाइंड आउट करोगे तो यूनिट यहां पे क्या लिखा जाएगा, मैप यूनिट. पर अगर आप लोग यूकैरियोट में फाइंड आउट करते हो तो यहां पे लिखा जाता है सेंटिमॉर्गन. ठीक है, तो ये तो हो जाएगा डिस्टेंस हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया ए और सी के बीच में. अब दूसरी चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है, ये सब कुछ याद रखना क्योंकि लिखते जाना आप लोग की नोटबुक के अंदर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है कि सिंगल क्रॉसओवर और डबल क्रॉसओवर कैसे सेपरेट होके गैमेट फॉर्म कर रहे हैं ना, ये जिसको आ गया उसको ये सब कुछ फाइंड आउट करना आएगा. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये हम लोग को फाइंड आउट करने का एक फॉर्म्यूला है. सिंगल क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि हम लोग ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, रीजन वन की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस डबल क्रॉस ओवर अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100. ठीक है, तो सिंगल क्रॉसओवर यहां पे हम लोग को पता है कितना होता था, 52 प्लस 46, डबल क्रॉसओवर 4 प्लस 2, टोटल प्रोजेनी 500 इनटू 100, राइट. तो यहां पे आप लोग जब ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे, आप खुद से कैलकुलेट कर लो ये सारी चीजें, तो इसकी कुछ तो वैल्यू आती है तुम्हारी 20.8%, क्योंकि हम लोग 100 से यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 20.8% ये तुम्हारे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी किसके अंदर, रीजन वन के अंदर. ठीक है, अब मैं रीजन टू के अंदर अगर फाइंड आउट करना चाहूं रीजन टू के बीच में, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी, रीजन टू का बी और सी के बीच में हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. और उसके लिए हमारे पास वैल्यू यहां पे रखी हुई है, कितनी थी हमारे पास वैल्यू, 22 प्लस 22 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 500 इनटू 100, ये हो जाएगा 44 प्लस 6 500 इनटू 100, ये हो जाएगा 50 अपॉन 500 इनटू 100. बताओ कितना आएगा, बताने की जरूरत है क्या, 10%. रीजन टू के अंदर जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिली है वो कितनी है, 10%. ठीक है, अब देखो ये इतना हो चुका है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. ये सब कुछ फाइंड आउट करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं. एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने जो अभी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, मैं यहां पे लिख रही हूं आर एफ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन रीजन वन, है ना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन रीजन वन अपॉन 100, एंड यहां पे दूसरी आ जाएगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन रीजन टू अपॉन 100. तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना आया था तुम्हारा, 20.8 आया था रीजन वन में, और यहां पे इतना आया था, राइट. तो इसका कुछ वैल्यू आएगा 0.0208. एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर वैल्यू आएगी तुम्हारी 0.0208. ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड था, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, कि एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर वैल्यू का था, अब हम देखेंगे ऑब्जर्व्ड, मतलब हमें जो दिख रहा है हमारे सामने, ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर वैल्यू. तो तुम्हें खुद को दिख रहा है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, 6,
क्योंकि 4 प्लस 2 ऐसा था तो ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हारी 6 आएगी, 6 अपॉन 500. तो डबल क्रॉस वैल्यू इसकी आती है 1.2%. अब हमें हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस का वैल्यू मिल जाएगा. कैसे कैसे? तो को जो हमारा मेन टॉपिक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, इसका जो वैल्यू है वो कैसे आएगा? ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर अपॉन तुम्हारे कौन सी वैल्यू? एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर वैल्यू. तो ऑब्जर्व हमने कितनी देखी थी? 0.012 अपॉन एक्सपेक्टेड जो था हमारा 0.0208. सो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 0.577. आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से. ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जर्व डबल क्रॉस ओवर वैल्यू चाहिए, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर वैल्यू चाहिए, और ये ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड को फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी चाहिए. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, तो ये पूरा जो पर्टिकुलर कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस वाला जो टॉपिक है ये हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर इसके बारे में पूछा जाता है. ठीक है, कि नॉर्मल फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपको, या तो फिर डिस्टेंस दोनों के बीच में कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में पूछ सकते हैं. ओके, तो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा. और अगर कुछ भी इसमें से कुछ मिसिंग लग रहा है या कुछ फिर से आप लोग को पढ़ना है या ऐसे कुछ डाउट आता है तो तुम्हें आप सब कोई भी कॉल कर सकता है इस नंबर पे. ठीक है, बाय बाय.